आ गया ओपिनियन पोल, बिहार का कौन होगा सरताज, किसकी मनेगी दिवाली, किसका निकलेगा दिवाला। इंडिया न्यूज वायरल की ओपिनियन पोल में जानिए सब कुछ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में सर्वे एजेंसियों के साथ मिलकर इंडिया न्यूज वायरल ने भी अपना ओपिनियन पोल लाया है। इस ओपिनियन पोल में एक बार फिर से बिहार में नीतीश का जलवा बरकरार दिखाई दे रहा है, जबकि पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में भी महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव से एनडीए उम्मीदवार नीतीश कुमार आगे हैं। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आरजेडी के नेतृत्व में वाले महागठबंधन को 80 से 95 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाली चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी महज 5 से 10 सीटों पर विजयी हो सकती है। अन्य दलों की बात करें तो ओपिनियन पोल में 5 से 10 सीटें दिखाई जा रही है। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस ओपिनियन पोल के दौरान जब लोगों से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद पूछी गई, तो इसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे रहा। 31% लोग नीतीश कुमार को फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को 27% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान को 5, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को 4 और लालू यादव को 3% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लगभग 40 विधानसभा सीटों के 150 बूथों पर लोगों की राय पूछी गई है। इस दौरान लगभग 4000 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है। यह ओपिनियन पोल 15 से 20 अक्टूबर के बीच कराया गया है। हमारा दावा है कि सभी आयु वर्ग के लोगों से उनकी राय पूछी गई है। ओपिनियन पोल के अनुसार 38% लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय रखी है, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 32% लोग हैं। इसके अलावा 5% लोगों की चाहत है कि राज्य में अगली सरकार एलजेपी की बने। इंडियन न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।